दोस्तों, स्वागत है आपका वी के जी ब्लॉग में। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप हनुमान चालीसा के 11 दिन तक अगर आप उनका पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बालाजी महाराज पूरी करते हैं। अब लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अब बालाजी महाराज की जो पूजा जो होती है वह दो टाइम होते हैं उनके, सुबह 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त और एक शाम को 8 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद। अभी आपके ऊपर है कि आप कब पूजा शुरू करते हैं। जब भी पूजा करें, वैसे सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है 3 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के समय, क्योंकि क्या होता है उस वक्त कोई नहीं होता और भगवान से आपकी डायरेक्ट बात होगी। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में भगवान से प्यार करिए, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम आपके पास आएंगे। आपको जब भी कोई कष्ट होगा तो बालाजी महाराज आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपसे पहले वो उसका सामना करेंगे। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। अब करना क्या है आपको, सुबह जैसे आप, लेकिन बालाजी महाराज के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ लानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो हनुमान जी का चोला लेके आ सकते हैं, अगर चोला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चमेली का तेल, सिंदूर, और आप अगर आप पान का पत्ता लेके आ सकते हैं तो पान का पत्ता लेके आ सकते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, जो हनुमान जी को बहुत ही अच्छे प्रिय हैं। तो और आपको सुबह सुबह स्नान करके 3 से 5 बजे के बीच में हनुमान जी की जो भी आपका मंदिर है साफ सुथरा करके सुबह सुबह और उसके सामने बैठेंगे, लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे आपके नीचे, लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और एक आधा लाल पुष्प हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको रखेंगे हनुमान जी के आगे, माला चढ़ाएंगे, और उसके बाद आप एक लोटा लेंगे, एक लोटे में जल लेंगे और हनुमान जी के आगे रख देंगे, और फिर एक दिया जलाएंगे, और दिया जलाने के बाद आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हनुमान जी से प्रण करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी, मैं 11 दिन तक आपकी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा नियम अनुसार, और सबसे पहले अपना नाम बताएंगे उनको कि मेरा नाम ये है और मैं आज से प्रण लेता हूं कि मैं 11 दिन तक आपकी तन मन से पूजा करूंगा, और जो भी आपकी मनोकामना है आप वो मन के अंदर बोलिए कि हनुमान जी मेरी ये सब मनोकामना है, ये मेरी पूरी कीजिए। तो आप झूठ नहीं मानेंगे, 11 दिन तक अगर आप नियम के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और बजरंग बली किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई भी देंगे। जैसे स्वप्न में आपको कोई बंदर दिख गया, या हनुमान जी की कोई फोटो दिख गई, या मंदिर दिख गया, इस तरह से ये संकेत देते हैं हनुमान जी कि वो आपके आसपास है। और उनका नियम क्या होते हैं कि 11 दिन तक जब आप उनका पाठ करेंगे तो लहसुन प्याज, मांस मच्छी और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ख़ास है, और अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी और जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण है वो आपकी पूरी होगी, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग के अंदर जीवित देवता माने जाते हैं,
और श्री राम जी के द्वारा उनको इतनी शक्तियाँ मिली हुई है कि कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा वो दूर कर सकते हैं। जो सूर्य को एक फल समझ के खा गए थे और राम जी के काज सवार हैं, वह कोई साधारण देव नहीं हो सकते। श्री राम जी की सेवा जिसने करी हो, उनकी सीमा अपरंपार है और उनका बल शक्ति अपरंपार है। उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। श्री राम जी की जय, जय बालाजी की। और जब भी आप प्रार्थना, जब भी आप पाठ शुरू करें तो श्री राम जी का नाम जरूर लें और 108 बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 108 बार इसका नियम के अनुसार 11 दिन तक इसका भी पालन करें। हनुमान जी खुश होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, उनकी शक्ति अपरंपार है। एक बार बाली ने उनसे युद्ध करने की कही थी। बाली के अंदर अपार शक्ति थी और जब भी वो युद्ध में जाते थे तो सामने वाले की आधी शक्ति उनमें आ जाती थी। तो एक बार बाली को घमंड हो गया था कि मेरे जैसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तब उन्होंने हनुमान जी को चैलेंज किया था कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम युद्ध करेंगे। लेकिन नारद जी उनके पास पहुँच गए, हनुमान जी के पास, कि अगर आप बाली के सामने जाएंगे तो आपकी आधी शक्ति उनके पास आएगी और वह उसी वक्त उनकी मौत हो जाएगी। तो इसलिए अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा ही अपने साथ लेके जाना। 10% का हिस्सा हनुमान जी अपने साथ लेके गए थे जब बाली से युद्ध करने गए। लेकिन 10% भी बाली झेल नहीं पाया। उनके सामने आते ही उनका शरीर फटने लग गया। तब नारद जी ने कहा, आप इनकी सीमा से बहुत दूर चले जाइए वरना आपकी यहीं मृत्यु हो जाएगी, आपका शरीर फट जाएगा। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की शक्ति कितनी अपरंपार है। जो बाली, जिसको देवताओं से वरदान प्राप्त था कि सामने वाले की आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, वह तक हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाया। और रावण इतना शक्तिशाली था, इतना महान पंडित था, इतनी शक्तियाँ थी उसके पास, लेकिन उन्हें सिर्फ बजरंग बली ने लात मारी थी और उनको हिला दिया था। तब रावण ने भी यही कहा था, इस पूरे ब्रह्मांड में एक सिर्फ तुम ही हो बजरंग बली जो मेरे को हिला सकते हो। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की शक्ति कितनी अपरंपार है। उन्होंने राम काज के काज संवारे हैं और इंसान की तो क्या औकात है उनके आगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपकी कामना हो, आप बालाजी से, बजरंगबली से, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन बालाजी भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, आपके कष्ट जरूर दूर करेंगे। और जब भी बालाजी के सामने, मूर्ति के सामने जाएं, जय श्री राम जरूर बोलें, इससे हनुमान जी खुश होते हैं। और हनुमान जी का टीका जरूर लगाएं, वह बहुत ही आवश्यक होता है हनुमान जी का टीका लगाना। और स्वयं अपने हाथ से ना लगाएं, क्योंकि हम स्वच्छ शायद नहीं हो, तो पंडित जी से कहें मंदिर जाके कि हनुमान जी का टीका लगाइए। हनुमान जी का टीका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके आसपास नहीं आएंगी। और बालाजी भगवान सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन आपको हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का जो प्रण आपने लिया है, इसको नियम अनुसार करें। आप हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने, आपका सब काम बनेंगे। सिर्फ बालाजी का नाम लीजिए और जय श्री राम बोलिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम, यही नारा है नारा, और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, बजरंग बली सबकी सहायता करे। जय श्री राम।